अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चले मैं आपको आज दिखाता हूँ अपना इलाका जिसका नाम केनशम है। तो ये दो बड़े शहरों के बीच में वाक़ है। एक साइड पे बात है और दूसरे साइड पे ब्रिस्टल है। तो यहाँ की आबादी तकरीबन कोई 20,000 है। काफ़ी अच्छा एरिया रहने के लिए, लो क्राइम रेट की वजह से काफ़ी अच्छे स्कूल भी हैं जो कि किसी ज़माने में टॉप करते थे यूके में। और सबसे मशहूर जगह यहाँ पे कैडबरी चॉकलेट फैक्ट्री थी, यहाँ पर भी बनी हुई थी। यहाँ पे एवरेज हाउस प्राइस तकरीबन 3.5 से 4 लाख के बीच में पाउंड। जहाँ पे साल में एक दफ़ा विंटर फेस्टिवल होता है, आजकल तो नहीं होता क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से नहीं होता। तो ये आबाद हुआ था 1170 में, 60-70s में यहाँ पे खुदाई के दरमियान चंद घर मिले थे जो कि रोमन पीरियड के थे, जो कि इंग्लैंड में मेरे ख्याल में 55 BC में आए थे। तो काफ़ी पुराना एरिया है यहाँ पे। इवन रोमन के वक्त भी लोग यहाँ पे रहते थे, लेकिन डेट इसका ऑफिशियली 1170। ये हाई स्ट्रीट है, तकरीबन हर किस्म की दुकान यहाँ पे मौजूद है। लेफ्ट साइड पे पार्क की तरफ एंट्री है, काफ़ी बड़ा एरिया पार्क है जिसमें हर साल म्यूज़िक फेस्टिवल होता है जुलाई में, वो भी कोरोना की वजह से अब नहीं हुआ 2 साल से। तो अब हम जा रहे हैं, अगर हम सीधा जाए और राइट को टर्न लें तो वो रोड वेल्स की तरफ जाती है जो कि काफ़ी नज़दीक है हमारे पास। हम लेंगे हम राइट को टर्न, लेफ्ट को टर्न लेंगे, जाते हैं थोड़ी सी गाड़ी देते हैं उसमें काफ़ी जल्दी होगी। सिंपल वॉश है, thank you.
चलो एक काम तो हो गया, अब जाते हैं B&Q सामान वहाँ से खरीदते हैं। तो ये राइट साइड को जाए राइट साइड पे ये हो जाती है बात की तरफ, लेकिन हम लेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड।
कि हम इस वक्त फार्मिंग सेक्टर में मौजूद हैं, तो ख़रीदते हैं कुछ टमाटर के बीज और कुछ और किस्म के बीज ख़रीदते हैं। इनकी कीमत तकरीबन एक पैकेट की 2 से 2.5 पाउंड होती है, 10 ग्राम बीज या 15 ग्राम बीज मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो भी गार्डन से रिलेटेड चीज़ें हैं, पश्तों में जैसे बोलते हैं कि ज़मींदार है दफा अच्छे से पकार दिया गदल तो मौजूद थी, तो ये सब सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये अब हम गार्डन सेक्टर में इंटर हो गए। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फूल और सब्ज़ियाँ जो कि ऑलरेडी उग चुकी होती हैं उनको ख़रीदा जा सकता है। ये कंपोस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, काफ़ी महंगा है, सीज़न के एंड में काफ़ी सस्ता हो जाता है, लेकिन हमें ख़रीदना तो पड़ेगा। ये अब हम मेन बिल्डिंग में इंटर हो गए। तो यहाँ पे तकरीबन घर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल सकती है, दरवाज़े, फ्लोर टाइल, किचन, गार्डन, जो चीज़ भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है वो इस दुकान में आपको मिल सकती है। अब चलते हैं वापस, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी वो मैंने ख़रीद लिए।
यहाँ से हम लेफ़्ट साइड पे टर्न लेंगे क्योंकि हमने केनशम की तरफ जाना है, लेकिन अगर हम राइट को टर्न लें यहाँ से तो ये हारनम की तरफ जाती है रोड। ये अब हम केनशम में इंटर हो गए हैं, तो ये लेफ्ट साइड पे हमारा ट्रेन स्टेशन है और राइट साइड पे वो मशहूर जगह कैडबरी चॉकलेट फैक्ट्री, वो राइट साइड की तरफ है। तो अब यहाँ पे ओल्ड होम बने हुए हैं, रिटायरमेंट विलेज केयर होम्स हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छे घर हैं वहाँ पर। अब हम केनशम के हाई स्ट्रीट में इंटर हो रहे हैं। और ये जो आपको लेफ्ट साइड पे चर्च नज़र आ रहा है, ये 13वीं सदी का चर्च है, काफ़ी मशहूर है इस एरिया में।